नमस्कार, मैं हूं आशीष राव, लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। मुकुल माधव फाउंडेशन ने वितरित की राशन किट, ग्रामीण क्षेत्र की जनता को दिया दीपावली का उपहार। हरिद्वार 2 नंबर देश की अग्रणी औद्योगिक इकाई फिनोलेक्स की समाज सेवी संस्था मुकुल माधव फाउंडेशन ने दीपावली के अवसर पर हरिद्वार विधानसभा, हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा और यमकेश्वर विधानसभा के केंद्र बिंदु कांगड़ी ग्राम में भगत भारत संस्था की शैक्षणिक इकाई स्वामी विवेकानंद एकेडमी में दीपावली के अवसर पर 200 से ज्यादा परिवारों को उपहार स्वरूप राशन किट वितरित की। यमकेश्वर विधानसभा के विधायक और भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष खंडूरी, फिनोलेक्स कंपनी के उत्तराखंड सेल्स मैनेजर अमन भंडारी, श्री महंत गोपाल गिरी जी, महाराज के शिष्य महंत बद्री नारायण गिरी और कैबिनेट मंत्री स्वामी जी यतीश्वरानंद जी के प्रतिनिधि डॉक्टर प्रदीप कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक पूर्व राज्य मंत्री विमल कुमार, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनीता वर्मा, डॉक्टर अश्विनी चौहान ने अतिथियों का पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रगत भारत संस्था के अध्यक्ष सुदीप बनर्जी और स्वामी विवेकानंद एकेडमी के प्रिंसिपल डॉक्टर कमलेश कांडपाल ने फिनोलेक्स कंपनी की समाज सेवी संस्था मुकुल माधव फाउंडेशन का आभार प्रकट करते हुए कहा कि विगत वर्ष भी मुकुल माधव फाउंडेशन की ओर से स्वामी विवेकानंद एकेडमी के माध्यम से दीपावली पर इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस वर्ष भी 200 से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को राशन किट वितरित कर प्रशंसनीय कार्य किया है। पूर्व राज्य मंत्री विमल कुमार ने आए हुए अतिथियों को संस्था का परिचय कराते हुए मुकुल फाउंडेशन के अधिकारियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद हरिद्वार के जिला अध्यक्ष नितिन गौतम ने बच्चों को उपहार वितरित किए। समारोह में फिनोलेक्स कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव आशीष राजपूत, सहायक प्रबंधक आशीष दीवान, संत रजत गिरी और छात्र छात्राओं के अभिभावक उपस्थित रहे। समारोह का संचालन समाज सेवी संजय वर्मा ने किया। विद्यालय की शिक्षिकाओं आरती सैनी, मीनाक्षी भट्ट, मोहिनी आदि ने कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया। लाइव टीवी समाचार के लिए हरिद्वार से संजय वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।